हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ये वीडियो के अंदर सिल्वर के वीकली व्यू के बारे में, और हम जानेंगे कि क्या उसकी संभावना हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था उस टाइम पर भी हमने बात की थी कि हम जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो चार्ट को डिस्कस करते रहेंगे और 1 आवर का टाइम फ्राइम लेंगे, जिससे हमें जो है वो पता चले कि क्या जो है वो हो सकता है, क्योंकि 4 से 5 दिन के अंदर जो है वो बहुत ही बढ़िया टाइम फ्रेम माना जाता है। अगर हमें ट्रेड करना हो तो वो 1 आवर का है। ओके, यहाँ पर मैंने एक येलो लाइन लगाई है क्योंकि नेक्स्ट वीक का ओपनिंग यहाँ से हुआ था, और फिर ये मार्केट की पूरी जो कामकाज है वो ये एरिया के ऊपर आप देख सकते हो। तो पहले जो है वो हम थोड़े से रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि हमारे जो टारगेट है वो फाइंड कर लेते हैं, और फिर बाद में जो है वो इसके ऊपर का कामकाज देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो पहला जो दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 63,220। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, दो बार उसने रेजिस्टेंस लिया है नेक्स्ट वीक के अंदर, सॉरी ये पिछला वीक जो गया उसके अंदर, एक बार वापस वो यहाँ पर जाने की कोशिश की, दूसरी बार फिर ऊपर गया, सस्टेन किया, वापस ये घूम गया, तीसरी बार यहाँ से ब्रेक किया, चौथी बार वो ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। मतलब टोटल कुल मिला के अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 और 4 बार जो है वो एरिया को उसने लास्ट वीक के अंदर ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत की लेकिन उसको ऊपर जाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है दोस्तों। तो अब उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनता है वो है 64,017 का लेवल। ये एरिया के ऊपर आप ध्यान देना, ठीक है। लाइन जो है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डार्क की है ताकि आपको लेवल समझ में आए। 64,007 का मतलब मोटा मोटी मान लो 64,000 का जो लेवल है बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, बहुत ही बड़ा। अब जो दोस्त हमारे ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का, उन लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ये मार्केट गिर रहा था। इन लोगों को तो पता ही है कि ये क्यों गिर रहा था, यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि ये क्यों गिर रहा है, ये एरिया के ऊपर भी पता चल जाएगा, मतलब जहाँ पर करेक्शन आने वाला होता है दोस्तों। तो वो हमारे जो स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को पता पहले ही चल जाता है कि भाई यहाँ से ये करेक्शन आएगा, यहाँ पर मार्केट को सेल कर दो, बहुत ही अच्छा खासा पैसा बनेगा। उन लोगों को सब पता है, उन लोगों को सब कुछ जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स के अंदर सब कुछ बताया हुआ है। चलिए, तो ये हमने बात कर ली रेजिस्टेंस के बारे में। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि यहाँ पर जो है वो जब तक 64,000 का जो लेवल है दोस्तों वो सस्टेन नहीं करता है तब तक हमें कोई बाय पोजीशन के ऊपर नहीं जाना है। देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने बड़ा व्यू किया, मतलब थोड़ा सा चार्ट फ्रेम छोटा किया। तो यहाँ पर देखिए, ये एक 64 का रेजिस्टेंस था, ये तो हमारा यही वीक का कामकाज है, लेकिन उसने नेक्स्ट वीक के अंदर भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला है अगर हम ध्यान दें तो, ठीक है। ये आपको चार्ट ट्रेडिंग भी सीखना है दोस्तों। तो मेरा मानना ये है, जैसे कि मैं जो चार्ट रीड कर पा रहा हूँ दोस्तों, उससे सीधी सीधी बात तो यही है कि जब तक सिल्वर जो है वो 64,000 के लेवल के ऊपर जाके अगर सस्टेन नहीं करता है, क्लोजिंग नहीं करता है 3-4 दिन तक, तब तक दोस्तों संभावना यह है कि ये जो है वो गिर सकता है और भयंकर तरीके से गिर सकता है। ये बात याद रखना, गिरेगा नहीं, भयंकर तरीके से गिर सकता है। अगर ये कंडीशन भी याद रखना, खाली ये आधा अधूरा सुन के मत चले जाना कि सर ने बोला कि चलो सिल्वर गिरने वाला है, चलो अब तो ठोक दो उसको, तो ऐसा मत करना, ठीक है। पहले सीखो, लर्न करो दोस्तों। तो मेरा जो एनालिसिस है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी वाली डार्क लाइन आप रेड लाइन देख सकते हो, 64,000 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ काट देता है तो फिर ये धीरे धीरे करके ये लेवल के आसपास जा सकता है, 66,700 के आसपास, और फिर ये ऊपर भी जा सकता है 68, 69, फिर तो दरवाजे खुलेंगे 70 तक। अगर 64,000 का जो लेवल है वो सस्टेन कर लेता है दोस्तों, तब तो फिर इसके 70,000 तक के दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे। ये बात आप याद रखना, ठीक है।
तो ये हमने बात कर ली उसके पहले तो रेजिस्टेंस मतलब कि टारगेट के बारे में क्या हो सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं उसके सपोर्ट के बारे में। तो पहला जो सपोर्ट है दोस्तों वो ये वाली लाइन जो है वो आपको मान के चलना है 61,860। यहाँ पर भी मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ, ये वाला एरिया जो है वो अगर ये नीचे काट देता है तो फिर इसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा जो मैं चार्ट छोटा करके दिखा रहा हूँ तो आपको आइडिया आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया उसने, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर भागा, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, देखो फिर ऊपर भागा दो तीन बार। अब जब ये गिर रहा था उस टाइम पे भी यहाँ पर जो है वो सपोर्ट लेने का ट्राई किया लेकिन ले नहीं पाया, मतलब कि अगर इस बार ये लेवल को तोड़ता है तो फिर वापस ये एरिया के आसपास जो है वो हम आ सकते हैं। कौन सा एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक यहाँ पर जो है वो आने की संभावना है उसकी लगभग 61,300 के लेवल के आसपास। अगर 61,000 का जो 61,300 का जो लेवल है दोस्तों वो अगर टूट जाता है, वो अगर ब्रेक कर देता है, उसके नीचे अगर ये क्लोजिंग कर लेता है तो फिर जो है वो यहाँ तक आने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, कौन सा लेवल है देख लेना, 59,873। ओके, मेन जो है वो चार्ट के ऊपर 1 आवर का ही चार्ट लगाया है दोस्तों, ताकि हमें जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए पोजिशनल ट्रेड ही हमें तो करना है एक अगले वीक के लिए, तो ज़्यादा जो है वो हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन पॉइंट कौन सा है वो आप नोट डाउन कर लेना चार्ट के ऊपर, फिर लेवल जो है वीकली लेवल जो है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कौन से होंगे, लेवल का भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो ब्रेक आउट पॉइंट होगा दोस्तों 64,000 के ऊपर, वहाँ जाके सस्टेन करना चाहिए, एक दो तीन घंटे तक ट्रेड करना चाहिए, ऊपर रुकना चाहिए, अच्छी कैंडल बननी चाहिए कि जो ट्रेंड चेंज करने वाली कैंडल हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड चेंजिंग कैंडल। अगर ऐसी कैंडल 64,000 के ऊपर जाके सस्टेन होती है, मिलती है हमें, तब हम ये मान सकते हैं कि हाँ ये ऊपर जा सकता है, ट्रेंड चेंजिंग कैंडल जो है वो हमें मिले। तो वो कैसे फाइंड करते तो वो कोर्स के अंदर मैंने सिखाया है। अब अगर ये डाउन कब आएगा, ब्रेक डाउन कब होगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ब्रेक डाउन के लिए दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये 61,860 का जो लेवल है, ठीक है, मतलब 61,860 का लेवल है, वो अगर ये काट देता है नीचे की तरफ, सस्टेन करता है नीचे की तरफ, क्लोजिंग करता है, तब संभावना ज़्यादा हो जाएगी कि यह गिरेगा और फिर सपोर्ट लेगा सीधा 61,300 के आसपास, और उसके नीचे लास्ट जो उम्मीद है, अंतिम उम्मीद कहते हैं दोस्तों, वो है 59,870। उसके नीचे गया तो फिर ये जो है वो 57, 58, 55 धीरे 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 करके जो है वो नीचे चलता जाएगा। तो संभावना किस चीज़ की ज़्यादा है अभी, तो वो हमें पता कैसे चलेगा। तो ये दोनों ही जो लाइन आप देख रहे हो, डार्क लाइन ब्लू एंड रेड, उसके ऊपर और नीचे जाएगा तब हमें पता चलेगा। तब तक जो है वो आपको शांति से देखना है, वेट करना है, वॉच करना है, देखो सीखो, चार्ट ट्रेडिंग सीखो, चार्ट लर्निंग सीखो, पेंडल कैंडल सीख पैटर्न को सीखिए, तो आपको जो है वो ट्रेड करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो है वो हम बात कर लेते हैं हमारे लेवल के ऊपर कि क्या लेवल रहेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। दो लेवल जो मैंने बता दिए 64,000 और 61,860, ये दोनों ही लेवल के ऊपर आपको खास फोकस करना है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो दोस्तों पहला जो उसका सपोर्ट है सिल्वर का वो निकल के आ रहा है 61,900, हमने चार्ट के ऊपर भी देख लिया लगभग 860 के आसपास हमें मिल रहा है, तो ये रेंज जो है वो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो 61,900 जो है वो एक इम्पोर्टेंट हमारा सपोर्ट रहेगा सिल्वर के लिए। मैं जो सपोर्ट और टारगेट निकालता हूँ दोस्तों वो चार्ट के ऊपर भी आपको बता दिया है। चार्ट के ऊपर हम कैसे देखते हैं, ये मेरी जो सपोर्ट टारगेट निकालने की जो मेथड है वो एक थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है, उससे मैं यूज़ करता हूँ, और चार्ट के ऊपर भी आपको सेम ही मिलेगा।
जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत 25-50 पॉइंट का फर्क रह सकता है क्योंकि इतना बड़ा इंडेक्स है तो उतना तो रहेगा। चलो तो 61,900 जो है वो हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर ये जो लेवल है वो नीचे की तरफ काटता है तो हमने बात कर ली, एकदम स्पीड से गिर सकता है और 61,200 जो है वो आपको नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो हमें फाइनल सपोर्ट मान के चलना है दोस्तों। फाइनल सपोर्ट हमारा बनेगा 61,200 का लेवल। अगर ये लेवल जो है वो काट देता है, नीचे की तरफ सस्टेन करता है, क्लोजिंग कर लेता है खास बात, तो फिर गया समझो, फिर इसको बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और हम जो है वो लगभग 60,600 से लेके लगभग 60,200 के जो लेवल है वो देख सकते हैं। और मैंने बताया था आपको लास्ट वीक के अंदर भी 60,000 साइकोलॉजिकल भी लेवल है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर वो ब्रेक हुआ तो हमने चार्ट के ऊपर भी बात कर ली, 58, 57 धीरे धीरे करके ये नीचे चलता जाएगा, तो फिर उसके बाद लगभग 54,000-53,000 तक के उसके दरवाजे खुल जाएंगे। अगर 60,000 जो है वो ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो है वो उतने उसके दरवाजे खुलते जाएंगे दोस्तों, ये बात आप खास याद रखना। ओके, अब लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया था दोस्तों, तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी, मैंने ये बताया था आपको कि भाई आज से 4-5 महीने पहले भी सिल्वर के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आएगी, उसकी बात जो है वो हमने यूट्यूब के ऊपर कर दी थी, 8 से 10 जो वीडियो है उसके अंदर शायद आपने वो वीडियो देखे होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो मैं लेवल जो है वो बता रहा हूँ आपको, चार्ट रीडिंग जो मैं कर रहा हूँ वो पूरा चार्ट रीडिंग ये कोर्स के अंदर है, और जो हमारा ये सिल्वर जब ये ऊपर जाने वाला था, ठीक है, खास में आपको अब ये बात सुनना, जब सिल्वर ऊपर की तेज़ी पकड़ रहा था 50,000 के आसपास, 48,000 के आसपास से, तब चार्ट के ऊपर ऐसे कौन से सिग्नल थे, ऐसा कौन सा सिग्नल था कि जो मैं बता रहा था कि ये अब ऊपर जाएगा, वो जो है वो हमने ये कोर्स के अंदर दोस्तों डिस्कस किया है, चार्ट के ऊपर ही डिस्कस किया है, पूरा पूरा चार्ट के ऊपर बताया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, 3 वीडियो फ्री है ना दोस्तों, उसमें से वही वाला वीडियो कि जिसके अंदर सिल्वर का जो है वो बहुत बड़ा रैली आने वाला था, वो वीडियो भी उसके अंदर फ्री है, ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 2 वीडियो के लिंक मिलेंगे, एक मारू बोजू कैंडल का वो वीडियो मैंने लास्ट वीक के अंदर अपलोड किया था, वो अगर आपने किसी ने ना देखा हो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिए। वो वीडियो के अंदर हमने क्लियरली बताया था कि ये जो मार्केट है यहाँ से जो है मतलब ये रैली क्यों आएगी, ठीक है, क्यों आई थी ये रैली, इतना बड़ा जो सिल्वर के अंदर तेजी हमें देखने को मिला 75,000-77,000 के आसपास, तो इतनी बड़ी तेजी के पीछे ऐसी कौन सी कैंडल थी, ऐसा कौन सा पैटर्न था कि जो ये जो है वो बड़ी तेजी के लिए कारण बना उसका, वो जो है वो मैं तो लगातार 6-4 महीने पहले भी बोलता आ रहा था कि सिल्वर में बड़ी तेजी आएगी, उस टाइम पे वो पैटर्न मैंने देखा था, लेकिन अभी मैंने उसका वीडियो भी बनाया है पूरा, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मारू बोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ऑनलाइन कोर्स का। और बहुत सारे जो दोस्त होंगे जो अभी आप लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, उनको भी इच्छा होगी कि ये हमारा जो कोर्स है वो करना है, सर की फीस बहुत ही ज़्यादा है, आपको लगता होगा कि 5,000 रुपये फीस है ये कोर्स की, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, आप जो है वो ये काम करो, वीडियो 2 फ्री रखे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, टोटल 3 वीडियो है, तीसरा भी आ जाएगा, 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बिल्कुल एज इट इज़ हमारे ऑनलाइन कैंडलस्टिक कोर्स के बिल्कुल फ्री है। आप सबसे पहले वो वीडियो जाइए उसको देखिए, वो वीडियो से आप पहले पैसा कमाएं और फिर उसी पैसे से आप कोर्स जो है वो बाय कीजिए, ऐसा आपको बोलने वाला शायद ही कोई यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, ठीक है, पहले यही बोलेंगे कि भाई पहले पैसा पे करो, पहले फीस पे करो, फिर जो है वो आप कमाओ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कोर्स के अंदर के 2 वीडियो बिल्कुल फ्री किए हैं, वो 2 वीडियो देखिए, उसको जाके चार्ट के ऊपर लगाए, उसमें से प्रॉफिट कमाओ, फिर जाके जो है वो पूरा कोर्स बाय करो। तो सोचो 2 वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इतना बता रहा हूँ तो कितनी उसकी ताकत होगी 2 वीडियो की। अब ऐसे 15 वीडियो आपके पास है वो कोर्स के अंदर टोटल, उसमें से 2 फ्री है, 2 की खाली मैं ताकत बता रहा हूँ, तो सोचो कि 15 वीडियो की टोटल कितनी ताकत होगी। तो आप जाइए,
वो कोर्स सीखिए कैसे लेवल जो है वो फाइंड कर दे। एक ही दिन के अंदर 500 800 1000 पॉइंट तो आपको सिल्वर के अंदर 500 700 तो मिल जाएंगे। अगर बड़ी मूवमेंट आएगी तो 1000 1500 पॉइंट भी मिल सकते हैं। बाकी रोज के आप जो है वो सिल्वर और गोल्ड के अंदर 400 500 700 पॉइंट तो आराम से निकाल सकते हैं, आराम से। ठीक है, चलिए तो ये मैंने कोर्स का भी आपको बता दिया और साथ में हमारा लाइव कॉल का भी ग्रुप है। MCX के अंदर हम लाइव कॉल देते हैं सिल्वर और गोल्ड के अंदर, तो वो भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन है हमारी, वो एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है वो लाइव कॉल के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसकी फ़ीस बहुत ही नॉर्मल है, 999 पर मंथ। ठीक है, उसमें क्या होगा कि पहले आपको फ़ीस पे करना है, वो मैं बता देता हूँ, फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई डेमो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ पूरा चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ, वीडियो आप देखते होंगे पूरा चार्ट के ऊपर और आप जाके नेक्स्ट वीक के अंदर वैसा महसूस करते होंगे तो वही जो है वो आप मान सकते हो, यही हमारा डेमो है। चलिए तो ये हमने बात कर ली सपोर्ट के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट के बारे में। नंबर वन जो टारगेट बनेगा दोस्तों सिल्वर के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर 63,000, हमने लेवल भी देख लिया था कि 63,000 के आसपास जो है वो एक रेजिस्टेंस है, तो 63,000 जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल सस्टेन करता है ऊपर की तरफ क्लोजिंग करता है तब जाके जो है वो हमें ऊपर की रैली की तरफ जा सकते हैं, एल्स जो है वो गिरावट हो सकती है क्योंकि अभी नीचे क्लोजिंग हुआ है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा। तो 63,000 जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर ये लेवल ऊपर जाता है सस्टेन करता है तो 64,100 का लेवल फाइनल मान के चलो आप। हमने भी चार्ट के ऊपर भी देखा था, अगर आपको याद हो तो चार्ट के ऊपर भी हमने यही लेवल जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि 64,017 का लेवल था, लेकिन यहाँ पर जो है वो 64,100 के आसपास आप ध्यान रखना। अगर ये लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काट के सस्टेन करता है, क्लोजिंग कर लेता है दोस्तों बढ़िया तरीके से, तो फिर गलती से शॉर्ट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना। जब मार्केट में ट्रेड करो तो तुरंत चेंज होना पड़ेगा आपको, अगर चेंज नहीं हो पाओगे एक ही जगह पर अड़े रहोगे तो नुकसान होना तय है दोस्तों। अगर मार्केट बोले कि मैं 61,900 तोड़ रहा हूँ, ब्रेक करता हूँ, तो फिर नीचे जाने की संभावना है, सिंपल लॉजिक है। और अगर मार्केट बोले कि मैं 64,100 के ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा हूँ, सस्टेन कर रहा हूँ, तो फिर ऊपर की संभावना है, हमें चेंज होना है, तब तक वेट एंड वॉच का जो है वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 64,100 ध्यान रखना, अगर ये लेवल ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो 64,650। ठीक है, 64,650 का लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर जाते हैं हम तो 65,000 के आसपास जो है वो हम मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं सिल्वर के अंदर। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली उसकी MCX प्राइस के बारे में। ज्वाइन करना हो दोस्तों ग्रुप हमारा लाइव कॉल के लिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, और कैंडल स्टिक के 2 वीडियो बिल्कुल फ्री है, और अगर आपको कैंडल स्टिक कोर्स जो है वो पूरा बाय करना है तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है, आप वो लिंक ओपन करके कोर्स जो है वो बाय कर सकते हो। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं उसके सपोर्ट और टारगेट डॉलर टर्म प्राइस के अंदर क्या होंगे उसके बारे में। सो नंबर वन सपोर्ट फॉर सिल्वर इन डॉलर टर्म प्राइस इज 24.20। ओके, 24.20 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर सिल्वर फॉर नेक्स्ट वीक। इफ सिल्वर कैन ब्रेक दिस लेवल एंड क्लोज बिलो दिस प्राइस देन वी कैन सी सम मोर करेक्शन अराउंड 23.90 लेवल विच इज अवर फाइनल सपोर्ट फॉर सिल्वर फॉर नेक्स्ट वीक। If this level can break and sustain below this price, then friends, we can see some free fall in silver. Remember this free fall condition below this level up to 23.75 to 23.75 level to 23.50 level. So it's a support side for सिल्वर फॉर नेक्स्ट वीक। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टारगेट साइड। नंबर वन टारगेट फॉर सिल्वर इन डॉलर टर्म प्राइस इज 25 लेवल। फ्रेंड्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल बिकॉज इट इज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल लेवल, रिमेंबर दिस, इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो।
अबाउट 25 लेवल वी कैन सी गुड रैली अराउंड 25.45, ओके 25.45 वी कैन सी विच इज अवर फाइनल टारगेट फॉर सिल्वर फॉर नेक्स्ट वीक. इफ दिस लेवल कैन सस्टेन बाय सिल्वर देन वी कैन सी 25.70 to 25.90, ओके 25.70 लेवल टू 25.90 लेवल वी कैन सी. ओके सो इट्स अ सपोर्ट एंड टारगेट फॉर सिल्वर फॉर नेक्स्ट वीक इन डॉलर टर्म प्राइस एज वेल एज एमसीएक्स प्राइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.